पुलिस ब्रूटैलिटी उसका होम मिनिस्टर साहब को बताने के लिए, क्योंकि पुलिस दिल्ली की होम मिनिस्टर के नीचे आती है। राजनाथ जी प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, जब हमने इनको 2014 में सपोर्ट किया, इनको जिताकर बहुत सीटें दिलाकर हमने ये सरकार जब बनी, ये अपना वायदा भूल गए और हमें सड़क पे आना पड़ा। 869 दिन के बाद हमारे ऊपर पुलिस आकर एक पीसफुल धरना जो कर रहे थे उसको तोड़ दिया। हमारी महिलाएं थी, सुदेश थी, मिसिस गोयल, उनको और बाकी लोगों को, एक हवलदार को चोट पहुंचाई और नाखून पे भी चोट लगी एक और जवान को। ये कोई अच्छी बात नहीं है। जब उनको बोला गया कि हम, आप बताओ नई जगह भी अगर जाना है तो हमें उसको वहाँ पे अरेंजमेंट कर दो, हम शिफ्ट कर लेंगे। दुखित बात यह है कि हमको डिटेन किया गया। हम वहाँ से उठ गए, जब हम पार्लियामेंट मेन रोड के ऊपर बैठे थे तो पुलिस आकर इसको भी धक्का जोरी कर रही, हमारे को भी, हमारे 22-23 लोगों को धक्का लगाकर गाड़ी में ले जाकर दूसरे पुलिस स्टेशन में ले गए, और वो था मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन। वहाँ भी हमें 5-6 घंटे रखा, 11 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे उन्होंने छोड़ा वहाँ से। ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप में आवाज़ को बंद करने का ये अच्छी बात नहीं है। वो एक पार्टी जिसके ऊपर हम भरोसा करते थे, हम सैनिक, और इनका रिवाड़ी में जो महासेवक है हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका वायदा किया हुआ, ये बड़ी दुखद घटना है। पुलिस की ब्रूटैलिटी को जल्दी से जल्दी जो रिस्पॉन्सिबल हैं, ACP पार्लियामेंट स्ट्रीट एंड SHO पार्लियामेंट स्ट्रीट, इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। पीछे से मेरे को धक्का मारा, हमारे लेडीज के साथ बुरा सलूक किया, और ये इस दुखित बात से रंजिश में आकर हम पूरे देश भर को, अपने देशवासियों को, मेंबर पार्लियामेंट को, डिफेंस मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, और अपने प्रधान सेवक प्राइम मिनिस्टर साहब को बताना चाहते हैं कि ये अनफेयर है। सैनिकों के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। हम सब ने बहुत सेवा से करी है। ये हमारा हवलदार मनोहर है, वो वहाँ था, हमारा सामान उठा के ले गए, हमारे कंप्यूटर ले गए, हमारे वो जो भी चीज़ें थी सब तोड़फोड़ कर दी। क्या एक डेमोक्रेसी के अंदर यही होगा? अगर ये होगा तो दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में ये हालत में आज की गवर्नमेंट सैनिकों के साथ बुरा सलूक कर रही है। बहुत दुखित है। भारतवासियों और मेरे साथियों यूथ, हम सबको ये गुजारिश करना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी, भारत, भारतीय और भारतीयता की तरह लाएं। ये जो है बड़ा बुरा सलूक जो पुलिस ने किया, एक्शन लें और जल्दी से जल्दी ACP एंड SHO के ऊपर जो एक्शन बनता है उसको लीजिए। ये हमारे साहब हैं, WBRC है, इनसे पूछिए क्या हालत में ये रहे। सर हमने वीडियो भी आपका, मतलब हमारे पास वीडियो आया था एक मिनट कुछ सेकंड का, उसमें मैडम थी, ये बोल भी नहीं थी, लेकिन एक मतलब रिटायर्ड फौजी थे, उनको पुलिस वालों ने पीछे से पकड़ रखा था, राम सिंह उनका, वो भी यहाँ तक कि मेरी पगड़ी को जैसा लगा रहे थे, मैंने तो पगड़ी बचा ली, अगर कहीं पगड़ी गिर जाती